गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम अपना हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एडिटोरियल जो था वो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है ना, एडिटोरियल। तो आज अब हम जो पढ़ेंगे हिंदू की जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, वही इसमें हम कवर करेंगे। फ्रंट पेपर भी जो देखते हैं कोई भी न्यूज़ रिलेटेड टू UPSC से कोई भी नहीं है, ये भी कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ के अंदर क्या, जो लोगों की डेथ हुई है उनका सर्वे करके उनको मतलब कुछ कंपेंसेशन प्रोवाइड कराने के लिए, पर सेंट्रल बोलते हैं हम फाइनेंशियली गलत चीज़ के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते। फिर यही एक्सेसिव डेथ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तेरे ऊपर हमें मतलब कि लिंचिंग हुई है उसके ऊपर है। जो दूसरी न्यूज आती है, हाईकोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। जो लिव इन पार्टनर थे मतलब वो रह सकते हैं साथ में, मतलब कुछ था कि लिव इन ऐसा कुछ, अभी लिव इन में आपको रहना कोई इलीगल नहीं है, आप इतना याद रखना, कोई इलीगल नहीं है, एक लीगल चीज है, आप रह सकते हैं। ये अपना एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल में कोई ये हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी प्ले लिस्ट में डाल भी चुका हूँ विद नोट्स के साथ, इसकी आप वीडियो एक बार जाके देख लेना। आगे चलते हैं, ये भी रिलेशन। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू द नेवी ने मतलब US से एक हेलीकॉप्टर लेने वाली है, उसका नाम है MH-60R। तो MH-60R आपको याद रखना है, MH-60R यानी कि महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर आ रहा है USA से उड़ के, तो ऐसे याद रखो, बस याद रखने के लिए 60R। तो किससे लेने वाले, US से खरीद रही है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनको US भेजा गया उसकी ट्रेनिंग के लिए। उसके कौन डेवलप कर रहा है, लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है US की, वो उसको डेवलप कर रही है। फिर वर्क बिगनिंग ऑन द मतलब कर्वी वॉक जो क्लास फेरीगेट है उसके लिए वर्क स्टार्ट हो गया। तो है क्या, ये रशिया की टेक्नोलॉजी है, एक गोवा बेस्ड शिफ्ट यार्ड इसको डेवलप किया जा रहा है, बस इतना याद रखो किसकी है, ये रशिया की टेक्नोलॉजी है, रशिया ने ट्रांसफ़र की है, मैं टेक्नोलॉजी वाली की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है कि तीन रशिया बनाएगा और इसके मतलब दो रशिया बनाएगा और दो हम खुद बनाएंगे, यानी दो रशिया से खरीदेंगे इसी क्लास के और दो हम खुद बनाएंगे। तो ये बस याद रखना आपको, तो आप ऐसे कुछ याद रखो जैसे मैं इसमें कुछ बना सकता हूँ या नहीं बन सकता, करी वॉक, अरे वाह रशिया, ऐसे करके कुछ याद रखो जो आपको याद रखना है। तो रशिया की टेक्नोलॉजी, इतनी ही न्यूज़ आपको। नेक्स्ट आती है टर्टल से रिलेटेड आती है, क्योंकि जो पैक्ट साइन किया है आसाम ने और वहाँ की जो NGOs हैं, आसाम स्टेट के जूज हैं, बोटैनिकल गार्डन्स हैं, उनके बीच में, क्योंकि ये रेयर टर्टल है, इसे बोलते हैं फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, इसका नाम भी दिया गया है निल्सोनिया निग्रीकेन करके, इसका नाम है निल्सोनिया निग्रीकेन करके, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक इसका नेम है। तो ये एक विजन डॉक्यूमेंट्री थी 2030 वाज आल्सो लॉन्च आफ्टर द टर्टल, जो टर्टल्स हैं उनकी सर्वाइवल के लिए। तो ये बस आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टेम्पल के एक पॉन्ड में पाया जाता है जिसका नाम है आपका हाया गरवा, जो महादवा टेंपल कमेटी है मतलब उसके टेंपल के जो पॉन्ड्स है उसी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर टर्टल्स है, आपको याद रखना। तो ये एक तरह से ये इसका IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकल एंडेंजर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकल डेंजर। तो ब्लैक सॉफ्ट शी टर्टल जो फ्रेश वाटर है उसका क्या है, CR क्रिटिकल एंडेंजर उसका है। मैराइन में आपको पढ़ाऊंगा मैराइन टर्टल्स कौन कौन से होते हैं, जो आपकी इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 72 में, उसमें भी ये लीगलाइज मतलब शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है क्योंकि क्रिटिकल एंडेंजर है। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इतना ही न्यूज़ रिलेटेड, तो बस मैं इससे क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, टर्टल्स के बारे में पूरा बताऊँगा पूरा, कि लेदर बैग क्या होते हैं, उसके बाद ऑलिव टर्टल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से मैराइन वाले हैं, किस किस का कौन कौन सा IUCN स्टेटस है, वो मैं भी बताऊँगा। पहले न्यूज़पेपर को हम कवर कर लेते हैं, आगे जाएंगे तो कोई भी न्यूज़ UPSC से रिलेटेड नहीं मिली है। ये 45 फोल्ड ऑफ सेंटर बोला है कि हमने हर चीज़ बढ़ा दी है, कि हम जो पैसा हम चीज़ें फेस करने के लिए तैयार है, जो आने वाली पेंडेमिक सिचुएशन है, कि जो आपके बेस लाइन थे इतनी बढ़ चुकी है, देखो ICU के बेड इतने बढ़ा दिए गए 1,00,000 के आसपास, फिर जो आइसोलेशन वाले तो 17,00,000 के आसपास कर दिए गए हैं 41,000 से, फिर जो और भी चीज़ 163 से 4,000 कर दी गई है, क्या कर दी गई है, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड के वो भी बढ़ा दिए गए हैं, कोविड सेंटर बढ़ा दिए गए हैं 1,00,000 जो थे, आपके हेल्थ केयर वर्कर को भी बढ़ा दिया गया है, नियर अबाउट बहुत सारे लैब्स बढ़ा दी गई हैं,
तो बढ़ानी पड़ेंगी। वो तो चीज़ क्या, एक तरह से आप क्या देख सकते हैं ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड की वजह से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो फेलियर था ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई देगा आफ्टर पेंडेमिक। आप ये देखना, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है इस चीज़ से। स्केल अप द पब्लिक हेल्थ, मतलब क्या कि वैक्सीन हो जल्दी जल्दी। WHO ने बोला जो साउथ एशियन नेशन है, साउथ ईस्ट जो एशिया रीजन्स है, एक्सकलेट करने के लिए बोला है कि वैक्सीन को एक्सकलेट को बहुत जल्दी जल्दी लगाओ कि आप, ताकि अगली वेव से बचा जा सके। टेस्ट करो, ट्रेस करो, आइसोलेट करो लोगों को, पहले टेस्ट करो, उसको ट्रेस करो कहाँ कहाँ गया, फिर आइसोलेट करो, कोई को घर में लेने के लिए बोलो, ऐसे आप कम कर सकते हैं। कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ सोसाइटी के अंदर कि मास्क को कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना। चाइना वैक्सीन 1 बिलियन के आसपास वैक्सीन चाइना लगा चुका है। तालिबान ने बोला कि हम कमिटेड हैं अफगानिस्तान पीस टॉक के लिए, ठीक है ना। वॉन्ट इस्लामिक सिस्टम, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो शरीयत लॉ होते हैं इस्लाम के, उसके हिसाब से इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो रूल करना चाहते हैं, ठीक है। और बोले हैं कि राइट टू वुमेन माइनॉरिटी विल बी प्रोटेक्टेड, कि जो वुमेन के राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट ही किया जाएगा, पर अकॉर्डिंग टू द इस्लाम सिस्टम। अब आपको पता ही है इस्लाम सिस्टम कितनी आज़ादी देता है, ठीक है ना। ऐसे फंडामेंटल राइट की तरह तो आज़ादी नहीं देगा। अब ईरान में नई गवर्नमेंट आई है, उसने न्यूक्लियर टॉक्स के लिए बोल दिया। न्यूक्लियर टॉक्स क्या है? FJCPOA, जॉइंट कॉम्प्री जो प्रोग्राम है, एक्शन प्लान है करके उसका फुल फॉर्म है। इसमें P5+1 नेशन है। P5 में परमानेंट 5 जो आते हैं आपके UNO के, इसकी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं UNO की, आप जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देख लेना। और वन नेशन में कौन आता है? आपका जर्मनी आता है। इन सब ने मिलकर टॉक्स की थी, किसके साथ? ईरान के साथ टॉक्स की थी कि हम आपको यूरेनियम सप्लाई करेंगे, पर उसका पीसफुल काम के लिए उसका यूज़ करना, ना कि न्यूक्लियर के लिए। और हम आप पे वॉच डॉग रखेंगे, आप पे नज़र रखेंगे, आप गलत काम के डील तो नहीं करें। ये हुई थी ओबामा जी के टाइम पे। अब जो फिर ट्रंप आया, ट्रंप ने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया डील को 2018-19 में। तो गुस्सा हो गया ईरान, ईरान ने क्या किया, जो उसके पास यूरेनियम था उसने उसका एनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एनरिचमेंट मतलब, अगर परमिशन कितनी है, IAEA इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बोलते हैं कि 3% तक हम एनरिचमेंट कर सकते हैं यूरेनियम का। अगर आप ज़्यादा करोगे, 80% करोगे एनरिचमेंट, 60% करोगे, तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियर वेपन। आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं उस तरह के लिए, तो वो मना करता उस चीज़ के लिए। अब सऊदी अरब में देखा गया कि रिलीजन कंट्री है, उसमें मतलब कि कैसे किंगडम हैज़ ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मॉस्क्यू लाउड स्पीकर, तो एक तरह से वहाँ भी मॉस्क्यू के लाउड स्पीकर हैं, उन पे बात आ गई है, ठीक है। इतनी ही न्यूज़ थी रिलेटेड टू UPSC, आगे ख़त्म हो गई है सारी न्यूज़, इतनी काम की न्यूज़ नहीं है, स्टार्ट हो गई है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ 360 16 जून के, मतलब टर्टल्स के बारे में 360 इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको टर्टल्स के बारे में कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है, प्लस क्योंकि गंगा से जुड़े हुए रहते हैं तो गंगा हो गया, प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड टर्टल डे। कब किया था? 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मई को। तो वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव फेज सेकंड था, मतलब ये इसमें भी प्रोजेक्ट पार्टनर था, ये सब चीज़ में थी, काम किया था। तो वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है, सन 2000 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं कि एम टू प्रोटेक्ट टर्टल, टोटॉइस, इन सबको जो इलीगल स्मगलिंग होती है, आपको बताना है डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डिफरेंस क्या होता है कमेंट में बताना है। इलीगल जो स्मगलिंग होती है, फूड की इंडस्ट्री के लिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है इनका, ग्लोबल वार्मिंग होती है, या पेट ट्रेड होता है, इन सब के लिए इनको किलिंग किया जाता है सबसे बचाने के लिए। जो थीम थी आपकी वर्ल्ड टर्टल डे 2020 की, जो थी अडॉप्ट डोंट शॉप, कि इसे अडॉप्ट करो बेचो मत इधर उधर। सिग्निफिकेंस क्या है टर्टल्स का? क्योंकि एक एक्यूटिक क्रिएचर है, ठीक है ना, तो एक बैलेंस क्रिएट रखता है हैबिटेट में बीच में, क्योंकि ये डेड और डिके एनिमल को खाने का काम भी करता है, तो एक तरह से ये भी एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है, ठीक है ना। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, स्पीसीज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाता है, स्पीसीज को कैसे भी जो उसके ऊपर चिपक जाए, स्पीसीज जो बैठ जाए कैसे भी तरह करके। इट ऑल्सो एक्ट इज द, मतलब कि शॉर्ट ऑफ द अम्ब्रेला फॉर ए फिश, ठीक है, डेट यूज देम ए शेल्टर फ्रॉम प्रेडेटर, मतलब एक शेल्टर भी, छोटी छोटी फिश होती हैं वैसे शेल्टर भी इसके अंदर प्राप्त कर लेते हैं, ऊपर नीचे तो बन जाती होंगी। टर्टल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवर एज ए स्कैवेंजिंग डेथ ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, डिसीज फिश वाली होती है, ठीक है ना, उन सबको खाने का एक तरह से पूरा इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है ये अपने, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। स्टेटस क्या है टर्टल्स,
जो टर्टल्स हैं इंडिया में स्टेटस क्या है। एक तो इंडिया में 5 तरह के स्पीसीज पाई जाती हैं इंडियन टर्टल, तो आपको याद रखना है। ऐसे बोलेगा यूपीएससी ओनली दिस काइंड ऑफ टर्टल फाइंड इन इंडिया, जैसे ओलाइव वाला मिलता है या फिर लेदर बैक मिलता है ओनली, पर इंडिया में 5 तरह की प्रजाति पाई जाती हैं। आईयूसीएन स्टेटस आपका क्या है, आप याद रखो कि जो हॉक बिल वाला है उसका ही क्रिटिकल एंडेंजर है, और एक ग्रीन टर्टल का है एंडेंजर, और तीनों क्या है वर्नरेबल है। ऐसे याद करते हैं जो कम होती हैं, तो कम कौन सी, आपकी हॉकबेल है और दूसरी है ग्रीन टर्टल। ग्रीन टर्टल कितना ग्रीन सिग्नल है, यानी कि चलो एंडेंजर कैटेगरी में, पर हॉक, हॉक एक खतरनाक चिड़िया टाइप होती है ना, तो हॉक, तो हॉक का क्या है, तो हॉक का क्रिटिकल एंडेंजर आपको याद रखना है। ऑब्वियसली बात है इतनी प्रोटेक्शन है, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल में वन में ये आता है, उसके शेड्यूल वन में ये आता है, प्रोटेक्ट अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन गंगा रिज्यूविनेशन प्रोग्राम के अंदर इसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब थ्रेट किस चीज़ से है, इस चीज़ को थ्रेट क्या है कि एक तो प्रोटेक्शन अंडर जो दी गई है इसको अंडर शेड्यूल वन और शेड्यूल टू के अंदर दी गई है, तो शेड्यूल टू के अंदर थोड़ा कम प्रोटेक्शन है, इतनी ज़्यादा सजा नहीं होती, तो हमें क्या जरूरत है शेड्यूल टू को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और प्रोटेक्टेड करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, थ्रेट बहुत सारे जो कैच कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि और के ओशियन एनिमल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हाई लेवल ऑफ जो डेथ होते हैं टर्टल की, वॉचिंग अप द शोर जो आसपास में होने से होती है, एक्सीडेंटली हो जाती है, और जो बोट की हम कैचिंग वैचिंग करते हैं, जो ट्रॉल का नेट होता है उसे जिस फिश पकड़ते हैं उसमें फंस के आ जाते हैं, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है ना। जो हैवी हम टूल्स यूज़ करते हैं, होते नहीं मोटे मोटे जो पानी के अंदर मछली पकड़ने के यूज़ करते हैं, उससे इनकी डेथ होती है बहुत ज़्यादा, तो यही सारी। फिर नेट भी लिख सकते हो, फिर आप तो गार्बेज भी लिख सकते हो, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं किस चीज़ की, आप प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स उससे भी खा लेते हैं, उससे भी इनका जो आपका बॉडी का सिस्टम है, इंसेक्टाइन सिस्टम है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हो, पोचिंग लिख सकते हो, इलीगल स्मगलिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इवन किसी किसी कंट्री में एज ए मीट भी यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब प्रोटेक्टिव मेज़र क्या लिए गए, एक तो लिमिटेड किया गया इनकी रेगुलेशन को, जो इनकी रेगुलेशन थी इनको बहुत टाइट किया गया, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा के अंदर क्या किया गया, और भी इनको जो किया गया एक तरह से एक्यूटिक एनिमल में घोषित किया गया, और जो इनकी प्रोटेक्शन थी और इंक्रीज इनकी की गई है। लिमिटेशन लाया गया है कि नेट का यूज़ नहीं करोगे स्पेशल एरिया में, इस चीज़ का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है ना, फिश पकड़ने में वो हैवी जो आपके ट्रॉल्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस का यूज़ करना है, आर द टू डायमेंशनल नेट इनसेट विच लार्ज स्केप ओपनिंग फॉर टर्टल, टर्टल्स के लिए ओपनिंग होता है, तो इस टाइप का टेट का नेट यूज़ करोगे आप, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर की गई हैं इनके लिए कि क्लोज सीजन, जो इनका सीज़न चलता है ना, मतलब कि इन्हें नेस्टिंग का हो या किसी भी चीज़ का हो, ब्रीडिंग सेशन हो, तो उस टाइम पे क्या किया गया, वो एरिया को क्लोज करने का काम किया गया, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे फिश भी यूज़ नहीं करनी है, कोई फिशिंग का वेसल भी यूज़ भी नहीं करना है उस एरिया में, तो ये सब चीज़ों के इनके लिए कंजर्व करने के लिए काम किया गया। ये तो देखो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, तो मोटी मोटी चीज़ें जो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, ये समझ लें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर ऑप्शन में पूछ लिया तो आपको पता होगा हाँ ये काम तो किया होगा। जो इंपॉर्टेंट होता है जैसे IUCN स्टेटस किसका कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कौन से में आते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। वर्ल्ड जो आपका टर्टल्स जो डे था 2020 क्या था, अडॉप्ट डोंट चॉप, ये चीज़ में जो विस्तार से पढ़ता हूँ, और जो मैं चीज़ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं क्लियरली मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये कुछ इनकी पिक्चर्स हैं अलग अलग टर्टल्स की। उसके बाद आता है कि जो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन के साथ किसने किया था, जो गंगा वाली मिनिस्ट्री थी उसके साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, दोनों ने मिशन चलाया था। तो मैं बताऊँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है क्या, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या काम करता है कि एक तरह से रिसर्च करना इन द एरिया ऑफ स्टडी लाइक बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, सब काम करता है, जिसका हेड क्वार्टर इंस्टीट्यूशन वो देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं ऑलिव जो रेडलेट टर्टल्स हैं उनके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, उसके बारे में पढ़ते हैं इसमें है क्या। एक तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इसे वर्नेबल स्टेटस है मैंने बताया, फिर आपको बताना है क्रिटिकल एंडेंजर किसका है, मैंने हॉक करके बताया था, बेल करके, और एंडेंजर किसका है आपको, आपको कमेंट में बताना है, ऊपर ही बताया मैंने एंडेंजर स्टेटस और किसका है, ठीक है। तो एक तरह से ये वर्नेबल स्टेटस है इनका, उड़ीसा के आपका ऋषिकुल्या जो रिवर उसके आसपास ये पाए जाते हैं लाखों की तादाद में, ठीक है। एनिमल हैज़ जो स्किप किया ऋषिकल ने 2019
विच बिकम ए कॉज ऑफ द कंसर्न ऑफ टर्टल रिसर्च, मतलब कि जो ये एनिमल है ये स्किप कर गए थे, मतलब वहाँ पे पाए जाते हैं पर 2019 में वहाँ पे बहुत कम थे। तो एक तरह से एक रिसर्च का करने का कारण बनता है कि क्या रीज़न था ये नहीं आए यहाँ पे, क्या इनका रीज़न है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइक करीमाटा जो मेरेन सेंचुरी है उसके आसपास ये अपने नेस्टिंग करते हैं, लेइंग एग करते हैं। तो ऋषिकुल्या आपको याद रखना है, उड़ीसा और गरीमाथा आपको याद रखना है। उसके बाद आता है इनकी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये तो पूरे जो सी है पूरी जगह सी में पाए जाते हैं, यानी कि कोई वर्ल्ड की सब सी में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन में मिलेंगे, अटलांटिक में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे ऑलमोस्ट। पर कुछ इनकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे कैसे एक थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए, वार्म वाटर, ट्रॉपिकल वाटर होना चाहिए, जिनकी प्राइमरी लोकेशन है। प्राइमरी कहाँ पाए जाते हैं, पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, क्योंकि यही सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, वैसे अटलांटिक भी है, पाए सब जगह जाते हैं, पर मोस्टली जो इनके प्राइमरी रीजन्स है वो ये रीजन्स है। द बेस्ट नो फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग, ये बहुत यूनिक जो मास्टिंग करते हैं, यूनिक जो मास नेस्टिंग करते हैं, ये नेस्टिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अरीबाडा, अरीबाडा उसे बोला जाता है। तो अरीबाडा वर्ड याद रखना है ऑलिव के लिए, आपको गरी माता याद रखना है और आपको ऋषिकुल्या लेक याद रखनी है। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें। स्टेटस वर्नेबल स्टेटस है, मैराइन टर्टल्स हैं ये, ठीक है ना। तो मैराइन टर्टल्स इंडिया में कौन कौन से मिलते हैं, जैसे ऑलिव हो गए, ग्रीन हो गए, ग्रीन का था इंडेंजर, हॉक हो गए इनका था क्रिटिकल इंडेंजर, फिर लेदर बैक इनका था वर्नेबल, और सब वर्नेबल है इंडिया में। अगर आपको लगे तो आप बताना, शायद चेंज भी हो सकता है कि स्टेटस चेंज भी अपग्रेड और डाउनग्रेड होते रहते हैं। फिर आते हैं लेदर बैक सी टर्टल्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं, मतलब जॉइंट लेदर बैक टर्टल्स हैं। नीति आयोग ने इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए थे, टूरिज्म के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में। तो की टेकिंग क्या है कि नीति आयोग टूरिज्म विजन लेके आई थी, उसमें इंक्लूड किया गया था प्रपोजल को कि मेगा जो शिपमेंट पोर्ट है, जो आपके गालाथिया बे है, कहाँ पे है ये, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वहाँ पे टूरिज्म प्रोग्राम लेके आई थी कि इनको बचाया भी जाएगा, टूरिज्म प्रोग्राम भी किया जाएगा। ऑल्सो द लिटिल अंडमान में प्लान प्रपोज किया गया था ग्रोथ के लिए टूरिज्म को, ठीक है ना। ऑन दिस अनटच आइलैंड विच मे लीड टू, मतलब कि एक तरह से डी रिजर्वेशन ऑफ द इतने किलोमीटर का एरिया रेन फॉरेस्ट को, उसको डी रिजर्वेशन करना था। ऑल्सो बॉट 140 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ओंगे ट्राइबल रिजर्व, तो ये कुछ डी रिजर्वेशन, मतलब कि जो रिजर्व एरिया थे उनको डी रिजर्व करना था एरिया को। तो यहाँ पे इनके लिए प्रोग्राम भी चलाए गए थे टर्टल्स को ठीक करने के लिए, ये सारी चीज़ें उनके लिए की गई थी और टूरिज्म को बढ़ाया गया था। अब लेदर जो बैक टर्टल था लार्जली, ये सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है, तो ये पॉइंट प्री के लिए बनते हैं, ये लार्जेस्ट स्पीसीज है सारे सी टर्टल्स में, जो सातों के सात सी टर्टल्स हैं सबसे लार्जेस्ट ये है। अदर स्पीसीज आर कौन सी, जैसे ऑलिव हो गया, ग्रीन हो गई, मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, एक्सेप्ट आपकी लोअर हेड वाला जो होता है, द रिमेन फोर स्पीसीज नेस्टिंग अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट, जितनी ये चारों की चारों है ना, जितनी चारों की चारों हैं, ये कहाँ पे इंडियन कोस्ट के आसपास नेस्टिंग करती हैं। अब आपको कमेंट में बताना है, ऑलिव जो वाले हैं वो मास नेस्टिंग करते हैं, उसका नाम क्या बताया था मैंने ऊपर, वो आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा सारे आपको इंडिया में नेस्टिंग करते हुए मिला दिखाई देंगे कहीं ना कहीं इंडियन कोस्ट। इट इज़ फाउंड ऑल ओशियन एक्सेप्ट, ये सब जगह मिलते हैं एक्सेप्ट, देखो इसमें आ गया, आर्टिक और एंटार्क्टिक, यानी कि ज़्यादा ठंडे रीजन में ऊपर नीचे ये नहीं मिलते हैं। विद इन द इंडियन ओशन द नेस्टिंग ओनली, इंडिया में कहाँ नेस्टिंग करते हैं, ओनली इंडियन ओशन में कहाँ करते हैं, ओनली इंडोनेशिया के साइड, श्रीलंका के साइड या अंडमान निकोबार के, कहीं आपके इस वाली कोस्ट पे नहीं करते जो आपके कंट्री वाली है, ये करते हैं जो आइलैंड्स हैं उनकी कोस्ट पे नेस्टिंग करते हैं इंडिया में, ठीक है। इट इज़ द ओनली लिविंग स्पीसीज इन द, जो इनका नाम है इनका, मतलब कि डर्मोचिलिस करके फैमिली के होते हैं जीनस स्पीसीज फैमिली, इनका साइंटिफिक नाम है, डिफिकल्ट है, इतना नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। इट इज़ कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द मॉडर्न सी टर्टल्स बाय द लैक ऑफ द बोन शेल, ये भी है। दिस आर लिस्टेड शेड्यूल वन ऑफ द, ये तो ऑब्वियसली बात है, शेड्यूल वन में ही आएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट ने रिलीज किया था नेशनल मैराइन टर्टल्स एक्शन प्लान लेके आई थी, कौन लेके आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द प्लान में क्या था कि इंडिया हैज़ आइडेंटिफाई
ऑल दिस इंपॉर्टेंट सी टर्टल्स नेस्टिंग हैबिटेट कि सबको आइडेंटिफाई करना था, सिक्योर करना था, इंपॉर्टेंट कोस्टल और मैराइन जो बायोडाइवर्सिटी एरिया हैं उनकी जो आसपास हैं सबको फाइंड करना था, या फिर कोई कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आता है नेस्टिंग एरिया उसको भी फाइंड करना था, साउथ बे, वेस्ट बे, लिटिल अंडमान एंड जो आपका गालाथिया है ग्रेटर निकोबार में इसको मेंशन किया था इंपॉर्टेंट मैराइन सी टर्टल हैबिटेट्स इन इंडिया। तो आपको ये प्लान को अंदर याद रखना था, कौन ले गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट साइंस। तो मैंने आपको सब बता दिया है कि सारे टाइप के इंडिया में मिलते हैं, ठीक है, इनकी नेस्टिंग नहीं होती है इंडिया में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, बस इतना ही था फ्रेंड्स हिंदू की न्यूज़पेपर की। हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू।